हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गो ग्रीन इंडिया वर्ल्ड टीवी में। और दोस्तों आज हम आपको ऐसी जगह ले चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत जगह ले चलेंगे जहां पर आपको जाते ही बहुत ही शांति, बहुत ही खूबसूरती का अनुभव और बहुत ही शांत मन होने वाला है। बहुत ही आनंद पूर्वक वहां पे आप जाते ही आपको लगेगा। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह में हम आपको आज ले चलेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, तब तक आप गेस करिए कि कौन सी जगह है वो। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको एक बार कि हम लोग इस समय कानपुर के मैनावती मार्ग पे चल रहे हैं। मैनावती के मार्ग पे, ये जो कानपुर का मैनावती मार्ग है, ये आप उसी सड़क पे मैं चल रहा हूँ उस समय। और आप यही रोड जो है आप देख रहे होंगे कि सीधे ये रोड जो है जाती है, एक तरफ बिठूर पड़ता है इसी रोड पे और एक तरफ मंदना पड़ता है। तो मंदना जहाँ पे साईं दरबार भी है, और बिठूर में आपको पता ही आध्यात्मिक नगरी हमारी बिठूर, तमाम चीज़ें वहाँ पर अध्यात्म से जुड़ी। और इसके साथ ही साथ ये मैनावती मार्ग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। काफ़ी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं और फॉर्म हाउसेस भी हैं यहाँ पर, हैं और तमाम वो चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा अनुभव होगा आपको यहाँ पे आकर के, एक प्रसन्नता होगी। और इसी के साथ मैं आपको ज़्यादा उसमें नहीं रखना चाहता, और मैं बता दूँ आपको कि आज हम चलेंगे इस कानपुर के इस्कॉन टेम्पल में। जी हाँ, कानपुर के इस्कॉन टेम्पल में हम आपको ले चलेंगे आज, वहाँ की सैर कराएंगे, वहाँ की खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों से वाकिफ़ कराएंगे। इसके साथ ही साथ हमारे जो ये भगवान जी हैं, राधे कृष्ण भगवान, उनके दर्शन कराएंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे कान्हा जी को प्रिय हैं सबसे ज़्यादा, हमारी गाऊ माता, उनके जो गौशाला है उसके भी दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और कहीं मत जाइएगा। और हाँ, अगर आपको ये मेरी जो कुछ जो आपके लिए मैं मेहनत करके इतना कुछ आपके लिए ला रहा हूँ, ये देखिए इस्कॉन टेम्पल का, एक बार फिर से मैं पहुँच चुका हूँ इस्कॉन टेम्पल में। और ये जो आपको मेन द्वार दिख रहा है इस्कॉन टेम्पल का, ये पूरा जो आप सफ़ेद संगमरमर की तरह चमकता हुआ देख रहे हैं, ये इस्कॉन टेम्पल है कानपुर का। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप सीधे अंदर प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। आपके पास कोई भी साधन है, पैदल हैं चाहे गाड़ी से हैं, यहाँ से अंदर जाइए और कुछ ही देर में अंदर हम प्रवेश करेंगे और वहाँ की सारी चीज़ों के से वाकिफ़ कराएंगे। तो दोस्तों हम बता रहे थे कि हम लोग इतनी मेहनत से, हमारी पूरी टीम जो है इतनी मेहनत से आपके बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो प्राकृतिक से जुड़ी हुई और खूबसूरत स्पॉट हैं, उन और जो मंदिर है, घाट है, तमाम वो खूबसूरत चीज़ें प्रकृति से जुड़ी जुड़ी जो आस्था से जुड़ी चीज़ें हैं, तमाम वो हम लोग मेहनत करके लाते हैं। तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या आप लोग देखना चाहते हैं, तो वो भी हम कोशिश करेंगे दिखाएंगे। तो हम लोग ये इस्कॉन टेम्पल के अंदर प्रवेश द्वार में आ गए हैं। ये सामने प्रवेश द्वार है और इसके साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे नज़ारे भी हैं। और ये सामने स्टैंड है, यहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं, दो पहिया और चार पहिया। तो इसमें अपनी वाहन खड़े करिए और अंदर प्रवेश करिए और खूबसूरत नज़ारों के साथ जो हमारे ईष्ट भगवान भगवान हैं उनके दर्शन करिए और एक अद्भुत अध्यात्म से जुड़ी चीज़ों से वाकिफ़ होइए। क्योंकि अध्यात्म वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको अपने बारे में पता चलेगा, अपने मन को शांत करने के बारे में, शांत करने का एक ज़रिया प्राप्त होगा आपको। तो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे और बस हम लोग कुछ ही मिनटों में अंदर आपको दर्शन कराएंगे और सभी चीज़ों के से वाकिफ़ कराएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बता रहा था कि जो इतनी मेहनत से हम लोग आपके लिए चीज़ें बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसके लिए आप प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन एक होता है, प्लीज़ दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अब अंदर हम लोग आ चुके हैं, ये मेन द्वार के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये सामने जो देख रहे हैं ये कैंटीन है, यहाँ पे आप कुछ जो शुद्ध देशी घी से निर्मित चीज़ें उससे आप ग्रहण कर सकते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं सर, ये प्रवेश द्वार है मेन मंदिर, जो हमारे राधा कृष्ण भगवान जी हैं, गोपाला जी का मंदिर है। और यहाँ से आप अंदर प्रवेश करेंगे दर्शन करने के लिए। तो और सामने आप देख रहे हैं
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मन को शांत करने वाला एक अद्भुत जगह में हम लोग आ चुके हैं इस समय। और ये देखिए, ये सामने सामने आपको पार्क, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे पार्क आपको दिख रहे होंगे। ये बिल्डिंग है, यहाँ पर आप अगर मेंबर हैं यहाँ पे इस कॉन टेम्पल के, तो यहाँ पे रुक सकते हैं आप 1-2 दिन। और इसके साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरती लिए हुए ये प्यारी सी जगह, जी हाँ, अद्भुत खूबसूरती लिए हुए ये जगह जिसका नाम है इस्कॉन टेम्पल, आज दर्शन करिए इसके। होस्ट एंड दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गो ग्रीन इंडिया वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ इस्कॉन टेम्पल में। जी हाँ, कानपुर में मैं हूँ और कानपुर के इस्कॉन टेम्पल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊँगा इस्कॉन टेम्पल के बारे में। इसके साथ ही साथ जो हमारा मेन उद्देश्य है कि प्राकृतिक नज़ारों से लैस जितने भी यहाँ वातावरण है उसके बारे में आपको बताना। तो आज इस्कॉन टेम्पल में मैं हूँ, खड़ा हूँ और इसके दर्शन कराऊँगा। हमारे जो हमारे राधे राधे राधा कृष्ण जो भगवान जी हैं उनके भी दर्शन कराऊँगा। इसके साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, लोग यहाँ पे कितने खूबसूरत नज़ारों से लैस हैं, यहाँ पे दर्शन करने आते हैं भगवान जी के। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर गौ सेवा भी करते हैं। जी हाँ, सही समय आप, यहाँ पर गौशाला भी है जिसके दर्शन करते हैं और उससे प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो भी उससे प्राप्त होती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ आते जाइए जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। आपको पता है कि जैसा कि कृष्ण भगवान जी को गाय बहुत पसंद थी, वो गाय गाय हमेशा अपने साथ रखते थे, तो गौशाले की भी दर्शन कराऊंगा। तो प्राकृतिक नज़ारों के साथ यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में मैं आ चुका हूँ, आ जाइए मेरे साथ तुरंत अभी इसी वक्त। दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस समय इस्कॉन टेम्पल के अंदर मुख्य द्वार पे हूँ। आप देख रहे हैं मुख्य द्वार भगवान जी का है इस्कॉन टेम्पल का, और यहाँ पे इसके अंदर भगवान जी विराजमान है, राधे राधे कृष्ण, उनके भी दर्शन कराऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, और सिर्फ सिर्फ हमारे चैनल में गो ग्रीन इंडिया वर्ल्ड टीवी में। तो देखा दोस्तों आपने, अभी हमारे ईस्ट हमारे भगवान उन सभी के दर्शन करे आपने। इसके साथ ही मैं आपको ये बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, और लाइट थोड़ी डिम हो गई है क्योंकि रात होने वाली है, तो इस वजह से लाइट थोड़ी आपको कम लग रही होगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे ज़रूर आइए और यहाँ पे दर्शन करिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे खूबसूरत वातावरण का एंजॉय भी करिए और मन को शांत शांति एक अद्भुत शक्ति आपको प्रदान होगी यहाँ से। तो इसलिए देखिए
और महसूस करिए, अध्यात्म से जुड़िए और बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत नज़ारे हैं। प्रकृति हमारी जो है, प्रकृति से हमेशा जुड़ने का आप लोग कोशिश करिए। जो प्रकृति है ये बहुत ही खूबसूरत है और इसको कृपया करके इसको सभी लोग जितने भी विश्व में लोग हैं कृपया इसको बर्बाद ना करें। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए। देखा आपने हमारे प्रिय भगवान राधे कृष्ण जी के दर्शन करे, आपको मैंने करवाए और अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा गौशाला के। तो गौशाला में प्रवेश के लिए मेरे साथ आते जाइए, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये गौशाला है, इस्कॉन टेम्पल की गौशाला। इधर आइए मेरे साथ। यहाँ पर भी गाय कभी कभार बनती हैं। यहाँ पर ये खूबसूरत, यहाँ पे इतना बड़ा बेड़ा बना हुआ है गाय का। आइए इधर आ जाइए। हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण। ये देखिए यहाँ पर गाय बनती हैं। ये हमारे नंदी बाबा, नंदी बाबा का दर्शन करिए। हेलो, कितने खूबसूरत नंदी बाबा हमारे। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ऐसे नंदी बाबा, कितने खूबसूरत नंदी बाबा हैं, इनके मैं पैर छूना चाहता हूँ। जय नंदी बाबा। आइए देखिए कितनी खूबसूरत गाय हमारी गौशाला में, बहुत ही प्यारी गाय है। आ जाइए आ जाइए इधर आ जाइए। ये देखिए ये गीर गाय, बहुत ही प्यारी गौशाला में ये सारी गाय गीर गाय हैं। तो दोस्तों कृष्ण जी जहाँ रहते हैं उनके साथ गौशाला ज़रूर होता है, मतलब उनको गाय बहुत प्रिय होती हैं। यहाँ पर धुन भी लगी है, यहाँ पर आप छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए हैं जिसमें राधे कृष्ण की गूंज होती है, जिससे गाय जो है बहुत ही खुश महसूस करती हैं अपने आप को। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं इस्कॉन टेम्पल के, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे, प्राकृतिक नज़ारों और खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं आपके पास आता रहूँगा। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल में, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए कि किस तरह क्या कैसा लग रहा है मेरा प्रोग्राम आपको। और इसके साथ ही साथ मैं अब आने वाले एपिसोड में आपको दिखाऊँगा कि क्विज कॉन्टेस्ट भी करवाऊँगा, कुछ सवाल जवाब भी करूँगा। उसके साथ ही साथ आप जीत सकते हैं, ढेरों उपहार भी जीत सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और शेयर ज़रूर ठोकिएगा। तो तब तक के लिए आज्ञा से नमस्कार।